जॉन इब्राहिम की पहली फिल्म 17 जनवरी 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जिस्म। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 8 करोड़ 14 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 4 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था साया। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 3 करोड़ 24 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एतवार। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 4 करोड़ 25 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 30 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था पाप। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 2 करोड़ 50 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लकीर। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 4 करोड़ 80 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था धूम। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 31 करोड़ 60 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 24 सितंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मदहोशी। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 3 करोड़ 7 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 14 जनवरी 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ऐलान। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 7 करोड़ 52 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 11 मार्च 2005 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था करम। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 4 करोड़ 95 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 29 अप्रैल 2005 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था काल। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 19 करोड़ 9 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 22 जुलाई 2005 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था विरुद्ध। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 10 करोड़ 7 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म 2 नवंबर 2005 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था गर्म मसाला। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 29 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 13 जनवरी 2006 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था जिंदा। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 10 करोड़ 17 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 24 फरवरी 2006 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नंबर था टैक्सी नंबर 9211। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 19 करोड़ 59 लाख थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमिट थी। अगली फिल्म 8 दिसंबर 2006 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था बाबल। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 17 करोड़ 32 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 15 दिसंबर 2006 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था काबुल एक्सप्रेस। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 11 करोड़ 70 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 26 जनवरी 2007 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था सलाम इश्क। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 22 करोड़ 68 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 9 मार्च 2007 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था वाटर। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 1 करोड़ 69 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 26 अक्टूबर 2007 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था नो स्मोकिंग। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 2 करोड़ 10 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 23 नवंबर 2007 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था धन धना धन गोल। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 13 करोड़ 87 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 14 नवंबर 2008 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था दोस्ताना। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 44 करोड़ 38 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 26 जून 2009 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था न्यूयॉर्क। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 45 करोड़ 39 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 27 अगस्त 2010 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था आशाएं। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 2 करोड़ 21 लाख था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी।
अगली फिल्म 22 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था झूठा ही सही। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 9,83,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर जयपुर डिजास्टर थी। अगली फिल्म 18 फरवरी 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सात खून माफ। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 19,26,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर जयपुर फ्लॉप थी। अगली फिल्म 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फोर्स। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 26,11,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 25 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था देसी बॉयज। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 42,88,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 6 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हाउसफुल 2। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 109,10,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 25 जनवरी 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रेस 2। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 96,34,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 1 मार्च 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आई मी और मैं। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 8,51,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 3 मई 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था शूट आउट एट बडाला। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 54,69,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 23 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मद्रास कैफे। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 48,79,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वेलकम बैक। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 93,86,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 24 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रॉकी हैंडसम। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 23,76,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 29 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था डिशूम। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 64,59,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 18 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फोर्स 2। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 31,28,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। दोस्तों यह थी जानकारी जॉन अब्राहम की फिल्मोग्राफी पर, जो कि 2003 से लेकर 2016 तक की थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।